संध्या के समय में सावत का अपहरण में आप सबको फिर से स्वागत है और धन्यवाद है कि आप सब हो सके। आइए हम थोड़ी देर देखेंगे तो एक सावत स्कूल है। सावत स्कूल में जैसे सावत का अपहरण है तो ये बिरले हम लोग मैंने हमेशा क्या होता है कि ये सावत अध्ययन को हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, है ना। हम लोग एकदम सीधा रविवार का पाठ से इधर पदस्थल पढ़ते हैं और सीधा रविवार में चले जाते हैं, ये हकीकत है। तो आइए, हम लोग को मौका मिला कि आज हम लोग यहाँ डूबने के परिवार में होकर के इस सावत का पाठ को, सावत अफरन को हम लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ सावत अफरन दिया गया है कि सावत अफरन को क्या हम लोग जो बीत जाता है उसको पढ़ेंगे या आने वाला सावत को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? तो आने वाला सावत का ही ठीक है, ठीक है, बोल रहे ना शुरुआत को ना ठीक है। तो याद वचन दिया है, अगर किसी पास बाइबल है तो बोलिए मत्ती का उसका 25:40 जिसको आज हमने उसको पढ़ दिया था, जरूरतमंद लोगों की मदद करना, है ना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना। तो क्या कहता है, पढ़ रहे कोई? पच्चीस चालीस तब राजा उन्हें उत्तर देगा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इस छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। यह कहता है कि तुम में से मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि कौन कहेगा हमें, यीशु कहता है कि हमें कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया हुआ मेरे ही साथ किया, है ना। एकदम हम लोग को निश्चित जता देता है कि जब हम किसी को मदद करते हैं, किसी के सेवकाय करते हैं, किसी के ज़रूरतमंद को हम पूरा करते हैं तो हमें यहाँ साफ दर्शाता है कि हम किसके साथ कर रहे हैं, यीशु के साथ, परमेश्वर यीशु के साथ हम कर रहे हैं। तो हमें ही इसमें ही जताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक दूसरे की क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। और हमें मसीह होने के नाते हम सबका ये कर्तव्य बोले या फर्ज बोले यह हमारे लिए ज़रूरी है। कभी कभी हम लोग चूक जाते हैं और चूकने के कारण से जिसे हमें ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हम मदद नहीं करते हैं। लेकिन बाइबल हमें यही कहती है कि लूका का उसका 5:17-26 में भी हमें यही दिखाता है कि परमेश्वर ज़रूरतमंद लोगों की क्या करते हैं, मदद कैसे करता है। कभी कभी परमेश्वर हमारी मदद के लिए दूसरे लोगों का इस्तेमाल भी करता है ना, कि हमारे मदद के लिए, अपने मदद के लिए दूसरों को भी इस्तेमाल करता है। लेकिन हम लोग कभी कभी सोचते हैं और ज़्यादातर हम जिसे नफरत करते हैं, जिसे घृणा करते हैं, वही हमारे लिए क्या हो जाता है, मददगार साबित होता है। लेकिन हम बहुत विरले हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, समझ पाते हैं, पता है कि नहीं सर? होता है बहुत होता है। और जब हम समझ पाते और हम उसको चिंतन कर पाते तब तक वो समय क्या हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन हमें परमेश्वर ही कहता है कि कभी कभी परमेश्वर हमारी मदद के लिए दूसरे लोगों का भी इस्तेमाल करता है और यह हुआ हमारा उपयोगी दूसरे लोगों की मदद करने के लिए करता है। और हमें जब हमें मदद करता है तो हम उस मदद के ज़रिए से हम दूसरे लोगों को भी क्या कर सकते हैं, मदद पहुंचा सकते हैं या मदद कर सकते हैं। लोगों की मदद करना कभी कभी क्या हो जाता है, क्या हो सकता है, कभी कभी जब हम लोगों को मदद करते हैं
हमें मदद मिली और हम दूसरों को मदद करते हैं, वो मदद करने से हमारे लिए या हमारे जीवन के लिए क्या हो जाता है, कुछ ऐसे परेशानी आ जाती है, और वो परेशानी क्या है, कठिन परिस्थिति कहता है, कठिन कठिन काम हो जाता है। इसमें देखते हैं मदद ये स्वार्थ रूपी से हम लोग मदद नहीं करना है, जैसा देखा हुआ स्वार्थ कि अगर तुम मेरे लिए मदद करोगे तो मैं भी मदद करूँगा, वो सोच नहीं होना चाहिए। और क्यों कहता है कि अपने पड़ोसियों को लोगों को मदद करने के लिए, ताकि हम एक साथ जुटे रहें, माने मदद के सहारा हम एक साथ बंधे रहते हैं, माने ये सब चीज़ में मदद करते हैं तो उसको अच्छा लगता है, और उसके बाद से वो भी सीखता है कि वो मुखों को मदद कर रहा है, मैं भी उसको मदद करूँगा। ऐसा होते होते क्या होता है कि ऐसा एक जाली के समान पूरे एक चेन बन जाता है, फैल जाता है, करके अगर इन्हें सोचा है कि नहीं हम मदद नहीं करेंगे तो उसको भी मदद नहीं मिलेगा। तो ये सब है, और इसमें एकदम स्पष्ट आता है कि हम जब किसी को मदद करते हैं तो मदद की उम्मीद नहीं रखना चाहिए, है कि नहीं। कभी कभी हम लोग बोलते हैं अरे इसको हम मदद कर दिए तो हमें भी मदद मिल चाहिए या मिल सकती है, ये भावना कभी कभी मैंने कभी नहीं बहुत हमारे जीवन में होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर हमारी हिफाजत करते हैं, परमेश्वर हमारी देखभाल करते हैं, और परमेश्वर का जैसे हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करते हैं, चिंता करते हैं, हमारे लिए वो रात दिन हमारी सुधि लेते हैं। कभी हम लोग ऐसा सुधि लिए हैं किसी का, कभी हम लोग ऐसा सुधि नहीं लिए, क्योंकि हम परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की हुकुम के तहत हम नहीं करते हैं, बल्कि हम अपनी सोच, अपने फायदा, अपने लवान के लिए हम करते हैं। इसलिए कहता है हमारे लिए, जब ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन के लिए एक तो समस्या पैदा होती है, वो क्या है, कठिन समस्या, कठिन समय आ जाती है, हम करें या ना करें, हम करें या ना करें। यहाँ कहता है लेकिन परमेश्वर हमें हमारे प्रयासों के लिए स्वीकृत करता है, जब हम जरूरतमंदों लोगों की मदद करते हैं तो हम उन्हें वह कार्य दिखाते हैं जो यीशु ने किया था। कभी कभी यह जानना आसान होता है कि किससे हमारी आवश्यकता की सहायता की आवश्यकता है, तो किससे हमें आवश्यकता हमारी सहायता की आवश्यकता है। ऐसे नहीं है जिसको भी हम पाए उसको कर दिए, जिसको ज़रूरतें नहीं है, और जिसको ज़रूरत नहीं उसको सहायता कर देंगे, वो कैसा रहेगा, वो एहसानमंद रहेगा, अरे उसको तो हमको तो ज़रूरत नहीं था, वो हमको क्या कर दिया, ये दे दिया है ज़बरदस्ती लो, और उसको इस्तेमाल करना उसके लिए कोई आम बात नहीं है, जैसा तैसा वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उन ज़रूरतमंदों के लिए जिसका हम सहायक या सहायता बन सकते हैं, इसी तरह से आगे कहता है अन्य समय में यह जानना कठिन होता है कि किससे हमारी सहायता की आवश्यकता है, किससे हमारी सहायता की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें उसका सहायक बनाने के लिए कहता है, वह चाहता है कि हम हर जरूरतमंद की क्या करें, मदद करें, हर जरूरतमंद की हम मदद करें, चाहे वे कोई भी हो। तो हमें यही नहीं कहता कि हम खाली हमारे मसीह मजहब में है या मसीह है उनको हम करें, लेकिन कोई भी हो हम उनकी क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। इसीलिए कहता है कि बाइबल हमें अजनबियों के साथ भी हमें क्या करना चाहिए, गलत व्यवहार करना चाहिए, जिसको हम नहीं जानते हैं उसको हम कैसे व्यवहार करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे कैसा, हमें सिखाया है कि हमें उनके साथ भी हमें क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और नए मित्र बनाने के लिए उत्साहित प्रोत्साहित करना चाहिए। जब लोग हम पर भरोसा करते हैं, हम या यीशु को खोजने में उसकी मदद हेतु
बेहतर तरीका हम क्या है सीख सकते हैं, बहुत ही बेहतर तरीका सीख सकते हैं। आज मैं यही साउथ स्कूल में बोलने चाह रहा था लेकिन मैं बोलते बोलते नहीं बोला कि हम सब के लिए एक संकल्प लेना चाहिए। जैसे हमें कम से कम हफ्ता में 4 से 5 आदमी के साथ क्या है मिलना चाहिए, और उनके साथ मिलना चाहिए और उनका क्या ज़रूरत है। ज़रूरत बोलने से तो आजकल सबको पैसा चाहिए है ना, पैसा मिल गया तो सब हो जाता है, लेकिन उस ज़रूरतमंद और भी ज़रूरतमंद है जिससे उसके लिए हम कर सकते हैं। कोई ऐसा ज़रूरतमंद है जिसके हम उसके लिए कर सकते हैं जो हमें बिना पैसा का हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उनके लिए हम बिना पैसा से हम उनके लिए कर सकते हैं। अब तो बोलेगा कि बिना पैसा में क्या मिलता है, बिना पैसा में हम क्या कर सकते हैं, है ऐसा कोई उत्तर हम सबके पास? हाँ, स्मृति बोल रही है कि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना के माध्यम से हो सकता है उनके मन को हम थोड़ा सा क्या है कहीं उसके दिल में छू सकते हैं, और प्रार्थना के जरिए से हो सकता है। आपका तकलीफ क्या है बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के जरिए से उसका मन क्या होगा खुलेगा और वो एहसास कर पाएगा कि हाँ फलवा या फलनी ने हमारे लिए क्या किया, प्रार्थना किया। और जब प्रार्थना करते हैं तो हम जब प्रार्थना करते हैं सबसे पहले प्रार्थना करने से पहले हम अपने जीवन को हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, तब जाके उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और वो प्रार्थना हमारे लिए सही साबित हो सकती है। और जब होगी तो हम अपने लिए बड़ा ही नहीं करेंगे। कभी कभी होता है कि हम लोग अरे मैं गया था वहाँ इसका ये कर दिया वो कर दिया और उसको जब हम प्रार्थना कर दिए वो चंगा हो गया, हम किसका बढ़ाई किए, हम अपने आप का बढ़ाई किए, लेकिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि सब कुछ करने वाला देने वाला और अगुवाई करने वाला यही परमेश्वर है। तो आज यही कहता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे और उन ज़रूरतमंदों के लिए जो जिनको ज़रूरत है आवश्यकता है उनके लिए हम सब मिल करके क्या करें, प्रार्थना करें। और हम लोगों के लिए क्या, उन लोगों के लिए हमें एक एक क्या करना चाहिए, योजना बनाना चाहिए। ये हम सब के लिए ये ज़रूरी है। जब हम योजना बना देते हैं तो हम उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे घटी कमी, और सबसे बड़ी घटी कमी क्या होता है, स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो ये सबसे बड़ा हम लोग ऐसे पाते हैं ना, स्वास्थ्य क्या है, धन है, और वो धन को हम दे सकते हैं बिना पैसा से हम उनको दे सकते हैं। और ये हमारे लिए और उन लोगों के लिए जिनकी ज़रूरत है वो उन्हें वो आशीष का कारण हो सकती है और उनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। उस फायदेमंद खाली हम खाली फायदा को देखने से नहीं है, लेकिन हम उनको हम परमेश्वर के नज़दीक में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। बोले बिना पैसा का तो स्थिति बोली जैसा कि प्रार्थना बहुत अच्छी बात है, और हम लोग एक मसीह हो करके हम लोग को सिखाया गया है और हम जानते हैं कि हम लोग को पड़ोसियों से प्रेम करना है और मदद करना चाहिए। तो अपने जो बात हम कहेंगे उनसे जो बातचीत करेंगे तो हम लोग को थोड़ा सोच समझ करके बहुमूल्य जो बात है जैसे बोले कि स्व संबंधी में ये है कि हम लोग जो अच्छाई चीज़ को उनको मैंने समझाएं उनको बोलें, तो हमारा बॉडी में क्या रहता है कि वही हमारा क्या है, धन है, पैसा है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि जिस व्यक्ति से हम लोग संपर्क कर रहे हैं उसे बात कर रहे हैं तो इन चीज़ों को बताना है, तो उनका सोच हो चाहे कुछ कुछ भी हो लेकिन हम अपना जो वचन या बोली या कुछ भी हो अच्छाई की ओर हम लोग को उनको बतलाना है, बस इतने के और से ज़रूरत के हम लोग मदद कर सकते हैं। और कभी कभी होता है कि आपको उसको बहुत ज़रूरत हो गया
तो कुछ थोड़ा मोड़ा कुछ पैसा के जरिए या कुछ सामान से उनको दे दिया, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कोई भारी चीज़ हम लोग दी, ऐसा नहीं बात नहीं, छोटी चीज़ से जैसा कहता है वचन में कि जिन्होंने छोटी से छोटी चीज़ मेरे वह मेरे साथ किया है, तो वही चीज़ हम लोग करना है। प्रेम से स्वस्थ पूर्वक मैंने स्वस्थ संबंधित हमें उनसे बातें करना है, और बात करके उन्हें परमेश्वर का प्रेम जो है उसको हम उनको दर्शाना है अपने जीवन से। हम दूसरे के जीवन से हम उनको नहीं दर्शा सकते हैं, लेकिन हम अपने जीवन से परमेश्वर का प्रेम को हम दर्शा सकेंगे। आइए, परमेश्वर महान परमेश्वर है और उनका योजना को हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें करने के लिए और लोगों को बताने के लिए बढ़िया उपाय और योजना हम सबको दिए हैं। सिर्फ हम उन्हें क्या है इस्तेमाल करने की जरूरत है। परमेश्वर हम सबको इस सावस को पत्री के द्वारा से पढ़े और जो वचन पढ़े उन वचन पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे, और विशेष करके इस परिवार में परमेश्वर का आशीष बना रहे, और जिससे जो भी योजना है उस योजना में सफल हो सके। धन्यवाद।